नमस्कार, समाचार प्लस के खास शो चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। और आज मेरे साथ कांग्रेस के विधायक हीरा सिंह बिष्ट जी हैं। बिष्ट जी, समाचार प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया समाचार प्लस का। अच्छा बिष्ट जी, एक बड़ा सवाल है कि जो मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला लिया, आप कितना इसे जेन्युइन मानते हैं, कितना सही मानते हैं, और अगर गलत मानते हैं तो क्यों मानते हैं? मोदी का नोटबंदी का फैसला अगर ब्लैक होल्डर के खिलाफ है, माफियाओं के खिलाफ है, जमाखोरों के खिलाफ है, तो अच्छी बात है, लेकिन जनता में उसका मैसेज संदेश नहीं जा रहा। ये नोटबंदी का फैसले का प्रभाव किसानों पर, मजदूरों पर, कर्मचारियों पर, आम जनजीवन में पड़ रहा। किसी की शादी ब्याह है, किसी को मकान बनाना, किसी को पैसा बैंक से नहीं मिल पा रहा, उसी के पैसे के लिए लाइन में लगना पड़ रहा, दो तो दिन दिन जाना पड़ रहा। तो मैं नहीं समझता कदम किस तरह से लिया, उसकी तैयारी क्यों नहीं की। तैयारी का मतलब ये नहीं था कि आप जैसा लोग बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उनको विश्वास मिला, विश्वास का मतलब ये नहीं था। कांग्रेस का मतलब ये था कि जब आप ये कर रहे थे उतने नोटों की तैयारी करनी चाहिए थी। आपने 500 के नोट बदले तो 500 के छप जाने चाहिए थे। 2000 के नोट का औचित्य क्या है, उससे क्या सारा ब्लैक मनी बाहर आ जाएगा? और 2000 का नोट लेकर गरीब आदमी धक्के खा रहा, दुकानदार कह रहा मेरे पर चेंज नहीं है, मेरे पास परेशानी हो रही। तो मैं नहीं समझता 100-100 का नोट निकालने चाहिए, 500 का निकालना, 1000 का निकालना चाहिए, बदलना चाहिए थे, वो व्यवस्था करके लागू कर देना चाहिए था। लेकिन हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि इससे ब्लैक मनी वालों पर क्या असर हुआ, कितने ब्लैक मनी होल्डर पकड़े गए, धरे गए, वो किया, उस पर तो कुछ नहीं किया। आपने अपनी साजिश के तहत, अपनी संकुचित विचारधारा के तहत अपने अडानी अंबानी के रिश्तेदार को गवर्नर बना दिया, जो सबसे हिंदुस्तान का सबसे अच्छा अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट था, उसको आपने हटा दिया। ये सेटिंग करके आप लोग ये कर रहे हैं। मुझे बताओ कितने मनी होल्डर, कितने ब्लैक मनी वाले, कितने आज तक गिरफ्त में है? कोई नहीं आया ना। तो आम आदमी परेशानियां झेल रहा, तो ये किस तरह का फैसला आपका? थोड़े दिन में आराम आ जाएगा। हम ये पूछ रहे, इससे पहले आपने स्विस बैंक के खाते और विदेशों में जो काला धन था उसमें कितना कदम उठाया, कितना हजार करोड़ लाख करोड़ वो आया, वो तो नहीं, एक लाल पैसा नहीं आया। कितने गरीबों के खाते में आपने 30 करोड़ खिलाए, 25 करोड़ तो बंद भी हो गए थे। अब वो नंबर दो का पैसा उधर को से रख रहा है। आज भी कमीशन पर या बैंक के अधिकारियों से मिलकर आप 80-20 का हिसाब तय कर लें परसेंटेज में, तो आज भी चल रहा। मैं नहीं समझता कोई ये बताया कि कोई बड़ा भारी मनी लेंडर, कोई ये बहुत बड़े कोई माफिया जो ये साजिश कर रहे हैं, उनको कोई पकड़ा गया होगा? अब एक योजना भी आ रही है कि 50-50 कर लो, काला धन अगर आपके पास है तो 50 सरकार का होगा, 50 आपका होगा, उसमें से 25 जो है वो गरीबों के उसमें योजनाओं में लगेगा। ये बिना सोची समझी बात है। कौन गरीबों की योजना में, गरीबों को मिल क्या रहा इससे? इस योजना से आम हिंदुस्तानी को क्या मिल रहा? 15% ब्लैक मार्केटर होंगे, 15% ऐसे पूंजीपति होंगे जो नंबर दो के धंधे में बिल्डर्स होंगे या प्रॉपर्टी डीलर होंगे बड़े बड़े, उनका तो कुछ नहीं हो रहा ना इसमें। इसमें तो आम आदमी पिस रहा, आम आदमी प्रभावित हो रहा, आम आदमी पीड़ित हो रहा। वो इंतजार कर रहा, मोदी जी भी कह रहे भावुक होके थोड़े दिन में रहो। ये असलियत वास्तविकता ये है कि बीजेपी के लोग ही इस पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ओपन नहीं कर पा रहे मोदी के डर की वजह से। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हम भी परेशान हैं, आम आदमी उनसे भी शिकायत कर रहा, उनके पास कोई जवाब नहीं। थोड़े दिन रुक जाओ, थोड़े दिन रुक जाओ, तो ऐसा काम क्यों गए? थोड़े दिन रुक जाओ, आम आदमी जिसके यहाँ शादी वो क्या करेगा? कितने लोग मर गए, कोई बड़ा आदमी तो नहीं मरा? जो ब्लैक मनी वाला है वो तो एक नहीं मरा, लाइनों में खड़े होकर लगभग 100 करोड़ हिंदुस्तान में मर गए। तो ये गंभीर प्रश्न है, ये चिंता हमको जन आक्रोश के साथ, इसलिए कि आम आदमी परेशान है। अगर कांग्रेस के साथ ना खड़े हो तो क्या करे? कांग्रेस चुप बैठ रहे, इंतजार करेगी 50 दिन 100 दिन जो मोदी जी कह रहे, तो वो इंतजार कर लिया। साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात थी, उसका भी इंतजार कर लिया, 2.5 साल हो गए। ब्लैक मनी बाहर से आने की बात थी, उसका भी इंतजार कर लिया हमने। लेकिन ये तो बता, किसी बड़े डॉन को जो हजारों करोड़ों का मालिक है, कोई सलाखों के पीछे भेजा? नहीं भेजा। ये काम केवल इंदिरा गांधी कर सकती थी, जिसने राजा को परस्पर छीने, गरीबों को दिया, जिसने आम आदमी की बात सुनी, इमरजेंसी में लोगों ने आलोचना की। लेकिन आम आदमी तो ट्रेनें ठीक चल रही, टाइम पर नौकरी पर जा रहे थे, चोर बंद हो गए थे, डकैत बंद हो गए थे, माफिया बंद हो गए थे, आलोचना की कुछ पॉलिटिकल यूज की वजह से। लेकिन आज आम आदमी प्रभावित हो रहा। लेकिन आप लोग विरोध तो कर रहे हैं इस मुद्दे का, लेकिन हश्र देख लिया आपने भारत बंद का। जिन लोगों ने भारत बंद की कॉल दी थी वो वापस हो गए, हालांकि कांग्रेस ने नहीं दी थी, कांग्रेस ने अपना प्रदर्शन भी किया। लेकिन एक बात और है कि जनता इसमें, जो जनता की भागीदारी होनी चाहिए थी वो नहीं है इस फैसले की। नहीं, जनता परेशान है, आम आदमी परेशान है। वो लाइन में खड़ा है कि वो सड़कों पर उतरे, ये तो कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी, चूंकि आम आदमी की पीड़ा को कांग्रेस प्रदर्शित कर रही। कांग्रेस का बंद से कोई मतलब नहीं था जो मीडिया ने किया, और दुर्भाग्य कहो या सौभाग्य से मीडिया भी आज अडानी अंबानी के हैं, वो तो वही भाषा बोलेंगे और वही भाषा बोलवाएंगे उन लोगों से।
कि हाँ सुधर रहा है, अच्छा है जी। आम आदमी को लाइन पे लगकर देखो ना, किसान की मंडियों का क्या हालत है, किसान का क्या हालत है, चीनी उत्पादकों का क्या हालत है, उसकी गंभीरता से वो नहीं ले रहे। मजदूर ने आज नेपाल के अभी मसूरी में लगभग 200 मजदूर बैठे, उनको मजदूरी दिहाड़ी नहीं मिली, उनका अकाउंट में पैसा नहीं, खाने के लाले पड़ रहे। इस स्थिति को नहीं देखा गरीबों की, धरातल के लोगों को नहीं देखा मोदी जी ने। बन अपना अपने को निखारने के लिए, अपने को बढ़ाने के लिए बड़ा ताकतवर दिखाने, अरे ताकत तो ताकत दिखाओ अमीरों के खिलाफ, ताकत दिखाओ माफियाओं के खिलाफ, ताकत दिलाओ धन्ना सेठों के खिलाफ, इन गरीबों पर पड़ रहा ना सर उसका सारा। अच्छा बिजली डोई वाला क्षेत्र में आप विधायक हैं, 2.5 साल लगभग आप विधायक रह चुके हैं, चुनाव आने वाला है, डोईवाला में आपकी उपलब्धि क्या है पूरे 2.5 साल की? मुझे थोड़ा सा टाइम मिला डोईवाला में, 2.5 वर्ष का कार्यकाल मिला, लेकिन जो भी मैं कर सकता था जी जान से मैंने प्रयास किया, क्योंकि मैं काम में विश्वास रखता हूँ, पारदर्शिता भी काम में होनी चाहिए। उस दिशा में महत्वपूर्ण काम था कि डोईवाला को हम टाउन एरिया था उसको नगर पालिका बनाने काम में हम सफल हुए, वहाँ तहसील बनाई, तहसील के बाद SDM कोर्ट भी वहाँ पर हमने इस्टेब्लिश कर लिया, वहाँ पर हमने 50 बेड का मेडिकल की स्वीकृति हमने करा दी, जो जॉइंट अस्पताल है संयुक्त अस्पताल का अपग्रेड करके डोईवाला का लोग चाहिए, गरीब लोग हैं, हर प्रकार के लोग वहाँ पर रहते हैं। उस दिशा में हमने काम किया, वहाँ पॉलिटेक्निक का घमंड पर में निर्माण का कार्य वहाँ पर चल रहा है, लगभग 9.5 करोड़ की नहर भोगपुर से घमंडपुर तक जो लगभग 9 किलोमीटर की, उसको अंडरग्राउंड कर दी गई है, उस पर सड़क का काम बन रहा है। इसी तरह से लगभग 5 किलोमीटर की सड़क डांडी बड़कोट की है, 4 किलोमीटर की, उसको भी अंडरग्राउंड कर दिया, उस पर भी सड़क बन रही है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहाँ सड़कें ना बने, 12 किलोमीटर यदि माजरी माफियाँ बनी हैं तो 14 किलोमीटर मार्कम ग्रांड के एरिया में बन रही हैं, ऐसे ही 14 किलोमीटर जोली ग्रांड में सेंक्शन हुई है, 4 पुल सेंक्शन है। 3 महीने वित्तीय संकट प्रदेश में रहा तो प्रदेश उससे 3 महीने 3 साल पीछे बीजेपी की केंद्र की सरकार ने धकेला इसको, जब सरकार को दल बदल किया खरीद फरोख्त की तो ये स्थगित रहा, विधानसभा हमारी गवर्नर रूल रहा, उसमें हमारे विकास के कामों को पलीता लगा, मैं ये कहूँगा 3 साल प्रभावित हो रहे, वरना आज हमारा गुल्लर घाटी का स्वीकृत पुल भी हो जाता, भिदालना का भी हो जाता, सुसवा का भी होता, शेरगढ़ का भी होता, तो ये काम प्रभावित हुए। अभी जो सड़कें बन रही हैं वो विचाराधीन है, उस पर काम चल रहा, लगभग 150 करोड़ से ऊपर की तो PW की सड़कें बन चुकी हैं, और लगभग 20 करोड़ का MDD से सड़कों का नालों का निर्माण हमने कराया है, 25 करोड़ कैंपा से बुल्ला वाला क्षेत्र में पुस्ते बन रहे हैं बाढ़ सुरक्षा का, हाथियों के जंगली जानवरों की सुरक्षा का। एक और बड़ा काम हुआ कि डोईवाला में 5-5, 6-6 घंटे बिजली जाती थी, हमने लाल तप्पड़ में पंचायत से जमीन लेकर के वहाँ पर बड़ा बिजली घर बनाया, आज वहाँ 24 घंटे बिजली उपलब्ध है उस क्षेत्र में जो वहाँ की सबसे बड़ी आवश्यकता। लेकिन आपको लगता नहीं कि 2.5 साल कम पड़ गए और क्या जनता आपको 5 साल देगी? मैं ये तो जनता का निर्णय है, मैं तो जनता का आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने बाई इलेक्शन में जिता करके भेजा, इस वक्त साथ के विकास का काम होगा, और वो विकास का इतिहास है, 25 साल बीजेपी वहां पर रहे, वो ये उपलब्धि नहीं बता पा रहे कि कोई ITI को पॉलिटेक्निक पुल पूछते तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैंने उस विचार से क्षेत्र का विकास, हमारे क्षेत्र पिछड़ा न रहे महत्वपूर्ण हिस्सा है, अभी 30 लाख का वहाँ पर किसान भवन भी डोईवाला में बना जिसका मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करने वाले हैं, तो जो वहाँ की पानी की बिजली की पानी के लगभग 14 ट्यूबवेल सेंक्शन थे जिसमें से 9 लग चुके हैं और स्वीकृति जाने वाली पाइपलाइन की व्यवस्था है, हैंडपम्प लगभग हमारे 50 स्वीकृत हैं जिनमें से 30 लग गए, वो काम अभी बड़ी तेजी से चल रहा है। अभी 15 लाख का हमने केशव बस्ती में एक 4 दीवारी बनाकर स्टेडियम बनाएंगे, उसको जमीन वरना तक कब्जा लेते लोग घेर लेते तो रामला मैदान को, उसको एक बड़ा भारी एक काम हुआ, वहाँ पर एक बड़ा मैदान हमें 3-4 हज़ार लोगों का मीटिंग का मिल गया, तो ये बड़ा काम हो रहा है इसमें। लेकिन हीरा सिंह बिष्ट जी, आपने एक अस्पताल बनाने की बात थी वहाँ पर, ठीक ठाक बेड का था वो, और उसका जियो इसलिए निरस्त हो गया क्योंकि बगल में एक प्राइवेट अस्पताल चल रहा, आपको नहीं लगता कि जो आपने वादा किया था उसको आप ही की सरकार ने निरस्त करवा दिया? नहीं, पहले वो कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की साजिश से हुआ था, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन दोबारा उसका शासनादेश जारी हो गया संयुक्त अस्पताल का दोबारा, और उसमें लिख दिया गया पहले जो जियो निरस्त किया था उन्हें प्रस्थापित करते हुए अस्पताल 50 बेड की स्वीकृति दी जाती है, यह जियो मैंने करा दिया, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बड़े महत्वपूर्ण काम में से हमारे जनता की आशा अपेक्षा के अनुरूप वो काम है, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, तो मैं अगर उपलब्धियां गिनाऊं तो मुझे घंटों लग जाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से उस पूरे, हाँ कोई ना कोई तो उसमें इन्वॉल्व था, मैं स्वीकार करता हूँ कोई ना कोई तो भ्रष्ट अधिकारी उसमें इन्वॉल्व था जिसने
ऐसी तब्दीली, सरकारी चीज़ सरकारी होती है, आम आदमी को राहत मिलती है, गरीबों को राहत मिलती है, वो उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हुआ। मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करूंगा, उन्होंने जब मैंने कहा लिखा लिख करके सचिव ने फिर उसको जारी कर दिया संशोधन, वो उसका काम भी जल्दी अपेक्षा करते हैं शुरू हो जाएगा। 18 मार्च की जो घटना है, क्या आपको लगता है वो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से था या फिर पार्टी के अंदर जो लोग गए हैं उनको घुटन हो रही थी, उनको मजबूर किया गया जाने के लिए? नहीं, पार्टी में हर तरह का लोग होता है, पीड़ा होती है, तकलीफ भी होती है, कई बार हमारे काम नहीं होते, हम भी गुस्सा करते हैं सरकार पर भी या अधिकारियों पर भी या नेताओं पर, लेकिन उसका मतलब नहीं पार्टी छोड़ दें। पार्टी बड़ी होती, व्यक्ति छोटा होता है। अगर हमारी पहचान है तो कांग्रेस की वजह से, हमें कांग्रेस के सिपाही हैं, हमको रहना सीखना चाहिए। लेकिन अति महत्वाकांक्षा अगर हालात में सोचा मुख्यमंत्री जाऊँ पार्टी छोड़ दो तो नहीं संभव होगा। जो काम उन्होंने किया, चूंकि ये साजिश चल रही थी और बीजेपी ने खरीद फरोख्त का काम किया, बीजेपी ने हमको भी अप्रोच किया, लेकिन हम पार्टी के निष्ठावान, हमें पार्टी ने बहुत कुछ दिया, हम ये कहते हैं, वो उसमें चले गए, निहित स्वार्थों के बस चले गए। पार्टी को तोड़ना बहुत बड़ा पाप है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अन्याय, अपने आप अपने लिए भी कि आज उनको भी बीजेपी के कोई नहीं मार के पीछे करने का प्रयास कर रहा हूँ। बीजेपी बड़ी संकुचित पार्टी है, संघ की पार्टी है, इसके बाद दूसरे लोगों का सम्मान नहीं होता, अपमान होता है, घुटन होती है उन लोगों। यहाँ कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, जब चाहे किसी को कह दो, किससे लड़ लो, किससे झगड़ लो, अपनी बात कह दो, सार्वजनिक कह दो, यहाँ अधिक वहां कोई बोलेगा नहीं। आज नोटबंदी से बीजेपी के नेता भी घुटन में, बीजेपी का वर्कर भी घुटन में, जनता में खड़े नहीं हो पा रहे, लेकिन बोल नहीं पा रहे, क्योंकि मोदी का डंडा है, डिक्टेटरशिप है वहां, वहां डेमोक्रेसी कहां है? आज सारे मंत्रियों को आप उत्तराखंड भेज रहे भगा भगा के, बोल नहीं पा रहे। भाई आप लेके क्या है उत्तराखंड को, नया प्रदेश है, पर्वतीय क्षेत्र, आप योजनाओं लाओ, ग्रांट लाओ, अनुदान लाओ, जो सरकार अपेक्षा करती है, अब सरकार ने प्रस्ताव भेजे उनको स्वीकृति दो, अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे, लेकिन आप केवल राजनीति करने के लिए, गाली देने के लिए, आलोचना करने के 12-12 मिनिस्टर एक टाइम आ जाए, और आचरण संहिता का उल्लंघन, आप मेरे विधानसभा में हमारे कृषि मंत्री जी आए केंद्र के, एक औपचारिक ताने नाते विधायक को, क्षेत्रीय विधायक को एक दिया जाता है, सूचना दी जाती है, मंत्री हम भी स्वागत करते हैं, माला डाल देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई यहाँ की योजना, स्थानीय योजना उनको बता देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बैनर में लगे थे केवल बीजेपी के, उस क्षेत्र के विधायक थे नहीं थे, दूसरे थे, वो बैनर वहां पर टांग दिए। तो इस तरह से जो हमारी विरासत है सांस्कृतिक सभ्यता की, तहजीब की, उस पर भी कुठाराघात कर रहे हैं। आज घूम रहे आप, आपदा का टाइम आ जाते हैं ना, 2014 में केंद्र में सरकार बन गई थी, इतनी आपदा आई थी, उस समय ये मंत्री आते दौड़ते, ये हम ये लाए, हम ये लाए, हम ये लाए, तब तो एक ने नहीं झांका आके, आज चुनाव आ गया तो परेशान हो गए, कांग्रेस की सरकार को कैसे उलटना पलटना, एक प्रयास देख लिया, प्रजातंत्र की हत्या करके, सरकार तोड़ करके, नहीं सफल हुए, पूरे हिंदुस्तान में इनको मुंह छिपाना पड़ा। अब दूसरा प्रयास है कि रौन दो, चलो यहाँ युद्ध क्षेत्र जैसा केंद्र सरकार ने बना रखा, अच्छा हुआ है हम करें, लेकिन कुछ लेकर आए, विकास की बात करेगा, केवल गाली देने को सरकार कौन आए जी, ये दुर्भाग्य हमारा। बीर जी, आप कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से हैं, और अगर कहा जाए तो वर्तमान में जितने कांग्रेसी नेता हैं उनमें सबसे वरिष्ठ हैं, लेकिन हम भी कई बार देखते हैं आपकी उपेक्षा कई बार हो गई, और ज्यादातर समय उपेक्षा के शिकार आप होते हैं, यह आपको भी मानना पड़ेगा। मैं समझता हूँ मेरी उपेक्षा हो, मुझे पीछे धकेलने के लोग कोशिश करें तो ईश्वर की कृपा, भोले बाबा की, मुझे उतनी ताकत मिलती है संघर्ष की, मैं उपेक्षा नहीं समझता। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मंत्री बनने से ज्यादा काम विधायक कर सकता नहीं कर सकता अपनी ताकत से, संघर्ष के साथ, तो मैं तो उस विश्वास का व्यक्ति हूँ, मेरी उपेक्षा नहीं होती है। अगर वर्कर की उपेक्षा तो पार्टी की उपेक्षा होती है, उपेक्षा जानबूझकर, राजनीति में हर तरह के लोग होते हैं, मैं उनका सबका सम्मान करता हूँ, तो मुझे जीने की राह उससे मिलती है, मुझे प्रेरणा मिलती है उससे, और अधिक उत्साह मिलता है कि मेरी उपेक्षा नहीं हो रही, बल्कि मैं पूरी ताकत और क्षमता के साथ सरकार से काम भी करा रहा हूँ, सरकार मेरी सुनती भी है, पार्टी भी हमारी सुनती है, तो मुझे तो प्रेरणा मिलती है। मेरी उपेक्षा नहीं, मैं घर में नहीं बैठ जाता, मैं आज भी किसानों की, मजदूरों की लड़ाई हो उसको लड़ता हूँ, कर्मचारी की लड़ाई हो, किसी भी क्षेत्र हो, किसी भी संगठन के, मैं उसके बीच में खड़ा होता हूँ, अगर न्यायचित बात है तो मुख्यमंत्री से भी लड़ता हूँ, सरकार से भी लड़ता हूँ, और उसे कराने का प्रयास करता हूँ। ये मेरी आदत में शुमार है, मेरे संस्कारों में जो कांग्रेस ने हमको दिए उसमें शुमार है। अगर मैं ऐसा ना करता तो 2014 में बागुणा जी ने चीनी मिलें बेच दी थी प्राइवेट सेक्टर में, मैंने सारी चीनी मिलों पर 6 के 6 में आंदोलन भरने प्रदर्शन किए, तीसरी बार है मुख्यमंत्री को अपना फैसला, क्योंकि गलत फैसला था, माफियाओं के दबाव में था, चीनी मिलें बेचने का था, चीनी मिलों पर सैकड़ों एकड़ जमीन है, तो इसलिए वो फैसला वापस लेना पड़ा, हमारे हजारों किसान बर्बाद हो जाते, हमारे 25-30 हज़ार से ऊपर कर्मचारी श्रमिक बर्बाद हो जाते, इसलिए फैसला लेना। मैं वो व्यक्ति का अपनी सरकार के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन गलत काम है, जनहित के खिलाफ है, श्रमिकों किसानों के खिलाफ है, बेरोजगार, तो उसके लिए मुझे कोई
दिक्कत नहीं होती। लेकिन आप ये बात तो मानेंगे ना कि उत्तराखंड में ज्यादातर अधिकारी भ्रष्टाचार को प्राश्रय देते हुए नजर आते हैं, काम कम होता है। दूसरी बात, चाहे आपकी कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, दोनों में इनके ऊपर नकेल कसने में बहुत कठिनाई नजर आती है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, तिवारी जी की सरकार के बाद बीजेपी की सरकार है, बीजेपी में दो दो मुख्यमंत्री रहे, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार बढ़ा, निरंकुशता बढ़ी और अधिकारी मन मर्जी से काम कर रहे थे। और एक उस समय बड़े पद पर शासन में एक अधिकारी बैठा था जो आज बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहता है, वो विरासत में करप्शन हमको मिला। कांग्रेस संगठन और सरकार के बीच जो तकरार लगातार हो रही है पिछले 6 महीने से, उससे आपको नहीं लगता कि बड़ा नुकसान पार्टी को हुआ है और मोराल जो कार्यकर्ताओं का है वो थोड़ा डाउन होता है? नहीं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पार्टी अपनी जिम्मेदारी करती है, क्योंकि पार्टी बड़ी होती है सरकार सेकंड होती है, पार्टी न हो तो सरकार कहाँ से बनेगी। इसलिए सरकार का काम है पार्टी के मार्गदर्शी का, जो पार्टी मार्गदर्शन देती है या पार्टी का जो घोषणा पत्र उसको लागू करना। अगर सरकार कहीं उपेक्षा होती है तो पार्टी को उसमें बोलना पड़ेगा और कार्यकर्ता को उपेक्षा, इसलिए पार्टी को बोलना पड़ता है, डेमोक्रेसी है। लेकिन हम एक सीमा में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और वहां तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। नहीं तो यहाँ पे तो सर आपके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ऐसे बयान देने लगते हैं एक दूसरे के खिलाफ कि आप ये बयान तो भी इतनी ना होनी। ये दोनों बयान तो इसलिए देते हैं कि बीजेपी इस मोहजाल में फंस जाए कि लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ते नहीं। आज दोनों कार्यक्रमों में जा रहे हैं, बीजेपी से दंडोल रहती है कि दोनों लड़ रहे, लड़ नहीं रहे, क्योंकि पॉलिसी बैठ के करते हैं, जो बात होती है मुख्यमंत्री कहते हैं वो कहते हैं, फिर दोनों इकट्ठे हेलीकॉप्टर से जो सभाओं में जा रहे हैं, वो काम हमारा चल रहा, बदस्तूर चल रहा, प्रजातंत्र का हिस्सा हम लोग ये नहीं कि मोदी ने कह दिया नोट छप रहे नए और सब उसी भाषा को बोल रहे, अपनी भाषा को संशोधित नहीं कर पा रहा, न जनता को बीजेपी के लोग समझा पा रहे। तो ये एक बड़ा मैं समझता हूँ कि एक दुर्भाग्य है कि मोदी की डिक्टेटरशिप में बीजेपी त्रस्त है, पस्त है, लेकिन बोलने को तैयार नहीं इस नोटबंदी पर। अच्छा, जनता आपकी सरकार को फिर क्यों चुने, आपने ऐसा क्या किया? हमारी सरकार ने एक छोटे कर्मचारी से लेकर आशाओं, आंगनबाड़ी और भोजन माताओं से लेकर जो इंदिरा अम्मा कैंटीन को सहायता समूह को, जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों के काम उनको घर बैठे महिलाओं को मिल रहे हैं, वो काम कर रही हैं, अनाज आरती से ला रहे, पैकिंग करके हमारे आंगनबाड़ी को दे रही हैं, सप्लाई हो रही है, करोड़ों के काम वो कमा रही, घर में बैठकर 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये एक एक महिला कमा रही, उसको 5 हज़ार रुपये मुख्यमंत्री जैसे रजिस्टर्ड होगा सहायता समूह उसको दिया जाएगा। आंगनबाड़ी पूरे देश में हम सबसे ज्यादा तनख्वाह वेतन ले रहे हैं, अभी और बढ़ने के मैं चाहता हूँ, और बढ़े उनका आशाओं का यो हो। आज हमारे अम्मा कैंटीन कितना सस्ता खाना मिल रहा सब जगह, वो काम हो रहा है। हमारे पहले कभी नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं कि एक विकलांग बच्चा पैदा होगा उसकी पेंशन मिले, जिसका विकलांग हुआ उसकी माता को 500 रुपये महीने का खर्चा सरकार देगी, ये केवल उत्तराखंड है। लेकिन सर आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, आप पेंशन ज्यादा दे रहे हैं। ना, ये रोजगार की दिशा में एक महत्वपूर्ण काम है, जो स्वरोजगार है, रोजगार है खुद। सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, यहाँ पर सरकारी नौकरियों का प्रदेश हमारा ज्यादा माना जाता है पहले से, इसलिए स्वरोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण काम देहरादून में ले लो, सहसपुर में ले लो, डोईवाला में ले लो, हजारों महिलाएं इस काम से जुड़ी हैं, जो अपनी जीविका अपने गांव में बैठकर एक जगह बैठकर पंचायत में वो पैकिंग का काम बड़ी तेजी से कर रहे हैं, उस दिशा में वो काम कर रही। कैंटीन चलाने को मुख्यमंत्री ने कहा, जो हमारी विधवा है, चार धाम यात्रा फ्री में कर रहे 60 साल से ऊपर के पति पत्नी, मैंने 200 बसें मैंने रवाना की डोईवाला से, जो चार धाम की यात्रा पर दर्शन करके आए, बहुत खुश थे, रुकने का इंतजाम था, रास्ते में खाने का था, नाश्ते की जगह नाश्ता था, कोई एक लाल पैसा उनका खर्च नहीं हो रहा था। किसी राज्य में है ऐसा? कहीं नहीं है, किसी राज्य में आज तक ऐसा नहीं है कि हमारा जो करोड़ रुपये सेंटर पर पड़ा था, इसका सन्नी का निर्माण कंस्ट्रक्शन वर्कर का, वो हमारी सरकार ने लगभग इस समय 15 करोड़ रुपये खर्च कर दिया, साइकिल मजदूरों को दी, गरीबों को पैकिंग दिया और सिलाई मशीनें बांट रहे हैं, वो पैसा उन तक जाए, गरीबों तक, ये केवल उत्तराखंड में ही हुआ है। और किसानों के हितों के लिए जो योजनाएं बन रही हमारे, वो योजना उनके भविष्य को सुरक्षित करने के, पहाड़ों की खेती, पहाड़ों का घोत उड़द जो भी कुलत हो रहे, जौ हो रहे, बाजरा हो रहा, उसकी पैदावार मंडवा उसको प्रोत्साहित दे रही, उसको संरक्षण दे रही, उनको इंसेंटिव दे रही। आप लोग विकास की बात कर रहे हैं, आप विकास की बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है सबसे भ्रष्टाचारी सरकार है, बीजेपी प्रमाण क्यों नहीं देती? बीजेपी कह रही भ्रष्टाचार किसने दिया, कहां गया गुम, कहां गया उस समय आपदा का, कहां गया स्टेडिया केमिकल का 1000 करोड़ का मामला, अपने आप को देखे ना। और हमको कह रही, हम कह रहे प्रमाण दे, मुख्यमंत्री भी कह रहे प्रमाण दे, कहना आसान है भ्रष्टाचार का, हम भी कह देते, लेकिन अगर भ्रष्टाचार प्रमाण दे सजा मिलेगी उसको, जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व है, जो राजनेता है,
जनता उसको सजा देगी, लेकिन ये कहने की बातें और है। बीजेपी त्रस्त है, पस्त है, हताश है, वो अंतर लीडरशिप से अंतर कला से परेशान है, क्योंकि सारे कुछ तो वहां लीडर थे, कुछ वहां तीन चार हमारे यहाँ से मुख्यमंत्री दावेदार पहुंच गए, इससे लीडर नहीं तय कर पा रहे। बीजेपी में तो एक ही नेता विपक्ष का नेता है, वही पार्टी का अध्यक्ष है, तो अंतर कला इस सीमा तक है कि वो छेड़ नहीं पा रहे, क्या करें। इसलिए कौन मुख्यमंत्री है, लीडर नहीं तय कर पा रहे। हमारे पास तो हरीश रावत लीडर है, पार्टी संगठन में उपाध्याय जी काम कर रहे, ईमानदारी से कहते हैं हम लोग उस लीडरशिप में काम हो रहा है। वहां क्या है, कौन लीडर होगा? अब वो कह रहे बिना लीडर के चुनाव लड़ेंगे। इसलिए केंद्रीय सरकार परेशान है, मोदी परेशान है, अमित शाह परेशान है, वो आके यहाँ दहाड़ रहे, झूठी झूठी बातें कह रहे। वैसे 2012 में भी आपके पास आपका कोई चेहरा नहीं था चुनाव में, अगर कहा जाए। वैसे ही विपक्ष में रहते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई अपना चेहरा घोषित करे, ये जरूरी है। आप सत्ता में है क्योंकि मुख्यमंत्री चेहरा हो जाता है, लेकिन विपक्ष में आपको नहीं लगता कि आप ये मांग कर रहे हैं कि भाई चेहरा दो? चेहरा तो हम मांग नहीं कर रहे, हम तो उनकी एक जो पार्टी की सांस्कृतिक विरासत या संवैधानिक व्यवस्था क्यों नहीं तय कर पा रहे, कौन लीडर होगा? लेकिन वहां लीडर में नहीं, अगर उसको देंगे तो वो इस तरह से करेगा, उसको देंगे तो वो इस तरह से करेगा, उसको देंगे तो वो, तो केवल मोदी के डंडे से चुप है। वरना बीजेपी इस घमासान में, इस युद्ध में कुछ तो थे, कुछ और चले गए। उनमें अंतर कल इस है कि अगर एक को छेड़ा तो बीजेपी सोचनी आप विस्फोट हो जाएगा। अच्छा, एक सतत संकल्प यात्रा आप लोगों की चल रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि बिखरी बिखरी सी है, क्योंकि यात्रा का मतलब तो यात्रा होता है। आपकी सभाएं कहीं पर एकाएक निकल आती हैं, सभाएं होती हैं, फिर उसके बाद वहां से यात्रा गायब हो जाती है। ये मेरा नहीं, ये बीजेपी का आरोप है, आप किस तरह देखते हैं? यात्रा तो जिला वाइज ब्लॉक वाइज हमारी चल रही है, निरंतर चल रही है। ये कोई नहीं कि वो रातों ही चलते रहेंगे, वो कोई तीर्थयात्री तो है नहीं, राजनीतिक यात्रा है, सामाजिक कार्यकर्ता है, पॉलिटिकल पार्टी है। आज यहाँ मीटिंग खत्म, कल वहाँ, परसों वहाँ, ये तो नहीं कि सर पर लोटे बंटे लेकर चल रहे यात्रा। मंदिर धार्मिक यात्रा नहीं, राजनीतिक यात्रा है। जनता को जगराने का काम करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, किसानों के लिए क्या, महिलाओं को, बेरोजगारों के लिए क्या। और ये राज्य बता दूं, पहला राज्य है जिसने उत्तराखंड के संविदा श्रमिकों को 2 साल में, जो विभागीय संविदा वाले थे, 2 साल में नियमित करने का काम, एक ऐतिहासिक निर्णय हमारी कांग्रेस सरकार ने लिया है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जो आपकी सतत संकल्प यात्रा चल रही है वो मुख्यमंत्री की सहूलियत के हिसाब से चल रही है। जहाँ मुख्यमंत्री कह दें कि हाँ भाई यहाँ सभा होनी चाहिए, तो वहाँ सभा होती है, बाकी जगह पर नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा कतई गलत है। ये पार्टी तय कर रही है, हमारे कांग्रेस कमेटी तय करती है, उसमें मुख्यमंत्री वहाँ जाते हैं, उसमें मुख्यमंत्री सहयोग करते हैं। ये कार्यक्रम पार्टी का है, मुख्यमंत्री तो हमारे पहचान है, प्रदेश के लीडर है। इसलिए हमारी कांग्रेस कार्यकर्ता बता रहे, कुछ मुख्यमंत्री भविष्य की योजना बताते, कुछ वर्तमान की बताते, ये हमने काम किया, ये अधूरे, इसमें मुख्यमंत्री हर जगह पहुंचते हैं। अब चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? बार बार बात आती है, कभी डोईवाला से, कभी रायपुर से हीरा सिंह बिष्ट जी को मिल सकता है, तो क्या आप क्लियर कर दीजिए आज? ना, ये तो पार्टी तय करेगी, लेकिन मैं पार्टी तो वहीं है जहाँ मुझे बाय इलेक्शन में जिताया डोईवाला के लोगों ने, जहाँ मैंने डोईवाला में जी जान से काम भी कर रहा हूँ, लोगों का सहयोग प्यार मिला, मैं तो वहाँ के लोगों का बड़ा आभारी हूँ। इसलिए डोईवाला मेरा चुनाव क्षेत्र है, पार्टी हाईकमान जो तय करेगा वो अंतिम निर्णय उनका होगा, लेकिन मेरा फोकस जो है वहीं, मैं समय भी दे रहा हूँ, वहीं लोगों के बीच में काम भी कर रहा हूँ, और एक नई पहचान डोईवाला को देने की मैंने कोशिश की। थोड़े बहुत रुके काम है, विकास के हो जाएंगे, एक बस एक लड़ाई बहुत बड़ी, एक बड़ा रिजर्वायर बनाने की है भोगपुर से ऊपर नदी पर, वहाँ रिजर्वायर बन जाएगा तो बिजली पैदा होगी और लोगों को पानी मिल जाएगा। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो नाबार्ड को गया, उसमें पैसा स्वीकृति हो जाएगी, तो उस क्षेत्र में पानी का संकट भी दूर हो जाएगा। आपकी सरकार तकाजे बहुत करती है, ऐसे में जनता अगर आपको चुन ले तो क्या अगले 2.5 साल के लिए 2019 तक आप फिर तकाजे करते रहेंगे केंद्र सरकार से कि भाई पैसा नहीं दिया? नहीं, तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, हम तकाजा नहीं कर रहे, हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर। जब केंद्र सरकार हमारे पर आरोप लगाती है अनावश्यक, ये नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा, होना केंद्र सरकार बताया कि किस मद में कितना पैसा दिया। और जैसे बीजेपी लोग कहते हैं 4 करोड़ दिए, वो तो अकाउंट फॉर होगा ना, वो तो ट्रेजरी में आएगा ना, वो मुख्यमंत्री की जेब में या मंत्री की जेब में नहीं जा रहा, तो उसको बताए। हम ये कह रहे हैं कि नया राज्य है, पर्वतीय राज्य, यहाँ पर नए राज्य को केंद्र की आर्थिक सहायता के बिना पूरा विकास नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद भी कि इतने संकट हैं, झंझावात हैं, बावजूद भी हम गरीब से गरीब, दलित, महिला, शोषित, अगड़े पिछड़े सबका हितों का, पहाड़ों मैदानों सबके विकास की योजनाएं चला रहे, और हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए, हर क्षेत्र में ऐतिहासिक काम जो आज तक नहीं हुए। हम तो कह रहे 5 साल की उपलब्धि बता दे, और 5 साल क्या वो अपने जब भी सस्ता में रहे, और हम 2.5 साल की उपलब्धि बता सकते हैं आपने कितनी हुई। हमने पहचान दी हर गांव को, सड़क है, पानी है, सड़क है, पुस्तें हैं, पुल हैं, शिक्षा है, हमारे स्वास्थ्य का काम है,
ये सब हमने प्रगति की दिशा में हमने काम किया। बातचीत के क्रम को यही रोकेंगे जी। चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते कोई और शख्सियत होगी हमसे रूबरू। तब तक के लिए ताजतरीन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।